हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। इसका वजह यही था कि दोस्तों मैं जा रहा हूँ वेकेशन इस समय, तो मैं कुछ वेकेशन को लेके मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ आप लोग के बीच में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा, अगर आप कुवैत के अंदर अगर आप रहते हो, अगर आपको कार्गो भेजना है आपके घर पर, तो किस तरीके से आप कार्गो भेज सकते हो, कैसे पैकिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को भी ऑन कर दो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसकी जो नोटिफिकेशंस है आप तक फर्स्ट पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये हमारा रूम है जिस रूम में हम लोग रहते हैं, जो कंपनी हमारा कंपनी जो रूम दिया है, एक रूम में हम लोग चार लोग रहते हैं। चार मतलब अलग अलग, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मतलब टीवी की फैसिलिटी है, वहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब फैसिलिटी है, खाना गर्म करने का, पानी गर्म करने का। ये साइड आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे फ्रिज की फैसिलिटी है, खाना रख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये देखो मैंने कार्गो पैकिंग किया है, ये कार्गो पैकिंग है, और ये कार्गो पैकिंग है, इसके साथ चार चेयर्स है मैंने लिया है, फोल्डिंग वाला चेयर आता है, ये मैंने लिया है इंडिया भेजने के लिए। तो इस चेयर और कार्गो को दोस्तों किस तरीके से आप इंडिया भेज सकते हो, मतलब एयर कार्गो हो या सी कार्गो हो। तो एयर कार्गो अगर आप भेजते हो तो काफ़ी कॉस्टली बैठता है, क्योंकि एक केजी का जो एयर कार्गो होता है दोस्तों, वो कम से कम एक केडी लगता है भेजने का, मतलब एक केडी लगता है 1 केजी, तो वो कॉस्टली बैठता है, वो आपका 10 से 15 दिन में पहुंच जाता है इंडिया। अगर आप सी कार्गो भेजते हो तो सी कार्गो का जो रेट है कुवैत के अंदर 500 फील्स है 1 केजी का। तो मेरी जो प्लानिंग है, मेरे पास बेड ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास समथिंग जो बेड है वो है 50 केजी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको सी कार्गो भेजने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं एयर कार्गो भेजूंगा तो काफ़ी कॉस्टली मेरे लिए बैठ जाएगा, तो उसके लिए सी कार्गो मैं करूँगा। तो ये 30 से लेके 40 डे के अंदर घर पे मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था और मुझे मिल गया था। तो ये मतलब आप देख सकते हो इतना बड़ा बॉक्स है, तो ये इतना बड़ा बॉक्स में मतलब पर्सनल कुछ सामान मैंने लिया है, और कुछ बच्चे लोग के लिए सामान लिया है, और मतलब इसे ब्लैंकेट होता है वैसा सामान लिया है, और चेयर्स है, सब मिला के 40 केजी समथिंग वेट है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर जो भाई लोग कुवैत के अंदर आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरे कार्गो कैसे भेजना है, उनको पता नहीं है घर पे भेजने के लिए, तो आप किस तरीके से भेज सकते हो, आप इस तरीके से पैकिंग कर सकते हो, पूरी पैकिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, ये जो आप पैकिंग देख रहे हो, ये मेरा पर्सनल पैकिंग है, बाकी जब आप कार्गो वाले को देते हो, कार्गो वाला अपने हिसाब से एक बार पैकिंग और करता है, क्योंकि वो लोग जो है पैकिंग का चार्ज लेता है, ठीक है, तो आपका पैकिंग और भी अच्छा हो जाता है। तो आपको इस तरीके से पैकिंग कर लेना है, आपको जो भी सामान भेजना है उसके अंदर पूरी सामान आप रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, जो कार्गो यहाँ कुवैत के अंदर है, 4-5 कंपनी है जो काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ से कार्गो भेज सकते हो, इनका जो ऑफर भी रहता है, इनका रेट भी रहता है। जैसे कि फर्स्ट जो कार्गो है, बेस्ट लाइन कार्गो है, जिससे मैं 2-3 बार कार्गो भेज चुका हूँ, इससे मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है कुवैत के अंदर। दूसरी बात है दोस्तों, TVS कार्गो है, रिलायंस भी है, ऐसा बहुत सारी कंपनी कुवैत के अंदर है, सुप्रीम कार्गो है, तो यहाँ से भी आप कार्गो भेज सकते हो इंडिया के अंदर। तो मैंने कार्गो जो बॉय है उसको मैंने लोकेशंस मेरा भेज दिया है, और वो समथिंग यहाँ पे मेरे मतलब रूम लोकेशंस पे मेरा कैम्प में वो 12:30 को आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से मतलब जो कार्गो बॉय आएगा रूम में, यहाँ से मतलब उठा के हम लोग उसको सामान देंगे, और उसके वैन तक, उसकी गाड़ी तक हम लोग जाएंगे, वहाँ पे कैसा वो वजन करता है वो, और कितना चार्ज लेता है, पूरी डिटेल्स में वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तो आपको पूरी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, फाइनली मैंने बेस्ट कार्गो को, जो था बेस्ट लाइन कार्गो, मैंने उसको बुला लिया है, और देखो कार्गो आपके सामने है, ये कार्गो बॉय है, और सामने जो है वो गाड़ी आ रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब सी कार्गो का कितना चार्ज लगता है इंडिया भेजने के लिए। तो हम लोग देखेंगे हमारा कार्गो का कितना वजन से, और उसके बाद देखेंगे कितना पैसा बैठता है, और क्या प्रोसीजर है इनका। ओके, तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, उससे वजन भी करके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो ये जो चेयर है, चेयर हमारा हो गया 13 किलो। अभी ये बॉक्स है, अब हम लोग देखते हैं बॉक्स का कितना केजी होता है, बॉक्स कितना किलो का आता है। ओके, तो बॉक्स का भी वजन हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। ओके
ओके, तो बॉक्स हमारा 39.5 है, तो बॉक्स भी हमारा वजन हो गया है। सो मतलब इस पे नंबर लिखा जाता है, उसके हिसाब से हमारे एरिया वाइज में ये सामान जाता है। ये नाम है, ये नाम है, ये पूरा नाम डालने का राजपूत, ये नाम डालने का, ये पूरा ये वाला। हाँ, ये नहीं है, ये आप इसके लिए बोला। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हो पूरा एड्रेस है, और ये जो कार्गो वजन हुआ है उसका बिल बन रहा है, तो इस पे पूरा एड्रेस रहेगा डिटेल्स में, और ये रसीद हमारे पास रहेगा। जब हम लोग घर पे जाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर 2 देना पड़ता है, जिसमें OTP आता है। जब OTP उस पर आएगा तो उससे ये कंफर्म होता है कि आप सही पर्सन से आपने कार्गो किया है, तभी कार्गो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप कार्गो इंडिया भेज सकते हो। तो अगर आपको कार्गो भेजना है, ओके, अगर आपको कार्गो भेजना है तो बेस्ट लाइन का नंबर है, मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से नंबर आप ले सकते हो, और उसके बाद आपके एरिया में आके कार्गो पिक करके लेके जाएगा कार्गो बॉय। अभी आपको समझ गया होगा कि कार्गो भेजने का क्या तरीका है। तो इसके लिए 2 प्रकार का कार्गो होता है, एक सी कार्गो होता है, एयर कार्गो होता है। तो एयर कार्गो का चार्ज ज़्यादा होता है, 1 KD समथिंग लगता है, 1 KG का, और सी कार्गो का 500 फिल्स लगता है। तो इस तरीके से कार्गो आप भेज सकते हो, तो इस तरीके से आप बुला सकते हो आपके जिस जगह पे आप रहते हो, डुअर टू डुअर सर्विस है, वहाँ पे आके एक खुद आपको पिकअप करके आपका सामान लेके जाएंगे। तो आपने देख लिया कि आप किस तरीके से एड्रेस पूरा फिल होता है, पूरी डिटेल्स में पूरी जानकारी आपको मिल गया है, और पूरी कार्गो का एड्रेस मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके पूरी जानकारी आप ले सकते हो। फाइनली अभी देखो रसीद मिल गया मेरे को, और जो यहाँ पे जो हमारे डिलीवरी बॉय है बेस्ट लाइन कार्गो का, उनसे हम बात करा देंगे आपको। अगर आपको कार्गो भेजना है तो आप देख सकते हो, आपको ये भाई साहब आएंगे। आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम हाजा, हाजा इनका नाम है, और इनका जो नंबर है ना भाई, इनका जो नंबर है मेरे चैनल पे डाल दूंगा, तो